Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will do another new chapter of income tax, that is set off, carry forward and set off of losses. देखिए ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी छोटा है, बट अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये चैप्टर एग्जामिनर आपको कहीं पर एक छोटे छोटे माइनर माइनर ट्रिकी पॉइंट ऐड अप कर देता है, जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So, I suggest each and every student to note down each and every point, means each and every point and whatever I say in this video, okay? So, let's start with a new chapter, that is set off, carry forward and set off of losses. देखिए पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये चैप्टर है किसके लिए, वो चैप्टर बनाया क्यों है. जैसे मान लीजिए ये कौन है, मान लीजिए मिस्टर रमेश एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एंड उनकी इनकम मान लीजिए सैलरी से आ रही है. मान लीजिए उनकी इनकम आ रही है अदर सोर्सेस से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से, सैलरी से. सपोज ही इज अर्निंग सपोज 7,50,000 पर एन, एंड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सपोज 50,000 पर एन. दैट मीन्स His GTI would be 8 lakh, ठीक है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इन इंडिविजुअल के यानी जो मिस्टर रमेश है, क्या इनके लिए ये चैप्टर किसी काम का है. देखिए अगर आप देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर हम किसी चीज की हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं किस चीज का, लॉस का. तो यानी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर मान लीजिए किसी मल्टीपल हेड्स अगर कोई इनकम आना जरूरी है और कोई भी इनकम अगर नेगेटिव में ही नहीं है तो उनके लिए चैप्टर किसी काम का ही नहीं है, ठीक है. सो मिस्टर रमेश के लिए ये चैप्टर किसी काम का नहीं है, ठीक है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ये कोई अनदर पर्सन है, अनदर इंडिविजुअल है, ठीक है. मान लीजिए इनका नाम है मिस प्रीति. मान लीजिए अब इनकी इनकम अराइज हो रही है फ्रॉम सैलरी एंड शी इज विड्रॉइंग 9 लाख पर एनम एज सैलरी, ठीक है. एंड शी गॉट लॉस, मान लीजिए सपोज LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अमाउंटिंग ₹2 लाख in bracket because it's a loss, and she is having income from other sources amounting ₹10,000, ठीक है. अब मिस प्रीति की इनकम GTI क्या होगी. अब आप बोलोगे कि सर इसकी इनकम तो सीधी सी बात है सर 7,10,000 होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को वो टैक्स कितने में पे करेगी, 7,10,000 पे. बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स अपने कुछ इनकम टैक्स में लॉस डाले हुए हैं कि अगर आपको सेट ऑफ करना है कोई भी इनकम, ठीक है. दैट मींस आप देखिए मिस प्रीति क्या कहना चाह रही है. मिस प्रीति ये कहना चाह रही है कि उनकी जो ये लॉस है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शी वॉन्ट्स टू बेसिकली सेट ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम सैलरी. क्योंकि देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो इनकम सिर्फ 10,000 की है, तो वो सारा अमाउंट देखिए किससे आप सेट ऑफ करना चाह रही है, वो सैलरी से करना चाह रही है. बट द थिंग इज कि क्या गवर्नमेंट मिस प्रीति को ये अमाउंट सेट ऑफ करने के लिए अलाउ करेगी. वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है. दैट मीन्स इफ एनी इंडिविजुअल और एनी एसएससी, इफ एनी इंडिविजुअल और एनी एसएससी is getting loss from any sources or any head, then as per the sections he or she can get benefit of set off, ठीक है. Which means हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि income tax के provision क्या कहते हैं, कब कब जो है कोई भी assessee जो है
सेट ऑफ लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। पहला देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर सेट ऑफ करना है तो उसके तीन स्टेप हैं, उसके तीन स्टेप हैं। फर्स्ट क्या है, इंट्रा हेड विच कवर्ड अंडर सेक्शन 70। इंट्रा हेड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए तरह ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उनकी हाउस प्रॉपर्टीज इनकम, मान लीजिए दो घर हैं, ठीक है, H1 एंड H2 दो घर हैं, ठीक है। मान लीजिए एक घर से उनकी जो इनकम आ रही है सपोज 1 लाख, एंड दूसरे घर से उनकी इनकम जो नेगेटिव में आ रही है सपोज 20,000, ठीक है। दैट मीन्स असेसी बेसिकली वॉन्ट टू सेट ऑफ दिस अमाउंट। दिस अमाउंट कहाँ से सेट ऑफ करना चाह रहा है वो, फ्रॉम दिस अमाउंट, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी होगी, अमाउंट इन रुपीज 80,000, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंट्राहेड, यानी कि अगर किसी भी असेसी को अपने अपने जो लॉस है सेट ऑफ अगर करना है तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंट्रा हेड है कि विद इन द हेड आपको दिखना पड़ेगा कि वो विद इन द हेड क्या सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग वो अलाउ है या नहीं है। आई रिपीट, कोई भी असेसी हो, अगर असेसी को कोई भी लॉस अगर सेट ऑफ करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंट्रा हेड, यानी कि पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इंट्रा हेड, दैट मीन्स विद इन द हेड विद इन द सेम सोर्स, क्या वो सेट ऑफ करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, एज पर सेक्शन 17, ठीक है। देन देखिए थर्ड सेकेंड स्टेप क्या हो गया, इंटर हेड। मान लीजिए अगर कोई इनकम है जो कि विद इन द हेड जो है सेट ऑफ नहीं हुई, ठीक है, तो क्या वो इनकम जो नेगेटिव में अभी बची हुई है क्या वो इनकम किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकती है। उसके लिए हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 71, ठीक है। पहले क्या होगा, सेट ऑफ विद इन द हेड, देन सेट ऑफ आउटसाइड हेड, और वो सॉरी अगर नहीं होता विद इन द हेड तो क्या देखना आपको, इंटर हेड, ठीक है, यानी कि डिफरेंट हेड में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि एज पर 71, एज पर सेक्शन 71 क्या एसएससी सेट ऑफ करने के लिए लायबल है, एलिजिबल है। देन थर्ड स्टेप वुड बी फॉर द कैरी फॉरवर्ड, फॉर द कैरी फॉरवर्ड। ऐसा मान लीजिए कोई इनकम ऐसी है कि अभी भी उसकी इनकम जो है नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसकी ओवर इनकम जो है मान लीजिए -50,000 आ रही है, तो टैक्स तो ऑब्वियसली वो देगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्या वो 50,000 जो अमाउंट नेगेटिव आ रहा है क्या वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो ये है थर्ड स्टेप कैरी फॉरवर्ड का, जिसमें हम ये सब सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 71 बी, सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 73A, सेक्शन 74, सेक्शन 74A, ठीक है। सो उसको वन बाय हम डीपली उसको अच्छे से समझेंगे कि सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 17, क्या लिखा है देखिए, एनी लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ सेम हेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऐसे को ये चेक करना है क्या वो सेम हेड से कोई लॉस सेट ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको कहाँ पर जाके चेक करना पड़ेगा, सेक्शन 70 में जाके उसको देखना पड़ेगा वेदर दी एसएससी इज लेबल टू गेट सेट ऑफ फ्रॉम द सेम हेड और नॉट, ओके। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, सपोज कोई एसएससी है जिसकी बिजनेस 1 से इनकम कितनी आ रही है प्लस में 70 लाख, एंड फ्रॉम बिजनेस 2 इन नेगेटिव दैट इज 30 लाख। तो देखिए अब ये सरकार को क्या बोलेगा कि भाई मेरी तो इनकम टोटल बिजनेस से मेरी तो आप 40 लाख ही लेके चलोगे, कितनी इनकम कि भाई मैं तो 40 लाख पे टैक्स दूंगा, क्यों, क्योंकि भाई मुझे ओवरऑल जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो तो मुझे 40 लाख हुआ, भाई एक में मुझे लॉस हो गया तो मैं उस पर टैक्स क्यों दूंगा, और जो लॉस हुआ वो मैं अपने पहले बिजनेस से सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहां पर अब उसको ये चेक करना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 17 क्या वो टैक्स 40 लाख पे दे, क्या वो टैक्स 70 पे लग दे। सर 70 पे क्यों, वैसे तो उसकी इनकम 70 ही राइज हो रही है। हमें तो ये चेक करना है ना कि एज पर सेक्शन 17 वो ये 30 लाख सेट ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता, हमें तो चेक करना है। अगर सेट ऑफ कर लिया तो 30 लाख माइनस हो जाएगा, नहीं हुआ तो टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 70 लाख पे। ठीक है, तो हमें ये सेक्शन 70 अच्छे से गो थ्रू करना है। हमें ये चेक करना है पहले सेक्शन 70 क्या कहता है। देखिए एनी लॉस, एनी कोई भी लॉस हो वो सेट एसएससी जो है सेट ऑफ कर सकता है, कहां से, फ्रॉम इन द इनकम ऑफ सेम हेड। सेम हेड, सेम हेड मतलब समझ रहे हो आप, इंट्रा हेड, विद इन द हेड। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए कोई इनकम विद इन द हेड, पीजीबीपी इनकम है, दो दो पीजी दो बिजनेस हैं, तो विद इन द बिजनेस से वो सेट ऑफ हो रहा है। दो कैपिटल गेन है एलटीसी जीएससीजी, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, मान लीजिए किसी की लॉटरी लग गई, ठीक है, वो वहां से जीत गया, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड उसने मान लीजिए कोई गेमिंग खेली, ठीक है, कैसीनो में जाके गेम खेल रहा है, वहां से हार गया, तो क्या लॉटरी से अमाउंट जो जीता है उसने और जो गेम कैसीनो में जाके उसको जो अमाउंट लॉस हो गया, क्या वो सेट ऑफ हो सकता है विद इन द सेम हेड। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे सेक्शन 70 में। ठीक है, तो सेक्शन 70 क्या कहता है कि हम कोई भी लॉस जो है विद इन सेम हेड सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन बताए हैं कि अगर आप ये एक्सेप्शन से पढ़ोगे, दैट मीन्स एक्सेप्शन यहाँ मीन्स कि यहाँ पर जो है एसएससी एलिजिबल नहीं है सेट ऑफ लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का देखिए क्या बोला है, लॉस इज अंडर स्पेक्यूलेशन बिजनेस। लॉस इज अंडर स्पेक्यूलेशन बिजनेस। देखिए जब भी कोई पर्सन, कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हो गया, अगर हम जैसे वर्ड पढ़ते हैं ना स्पेक्यूलेटिव, तो हमारे मन में देखिए क्या आ रहा है, क्या आता है। अगर आप इनकम के सोर्स से देखिए कि किसी की इनकम जो है स्पेक्यूलेटिव इनकम अराइज हुई है, सो हम उससे क्या समझते हैं, बेसिकली क्या होता है, बेटिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी दोस्त में भाई शर्त लगी है कि भी कल बारिश होगी या नहीं होगी, शर्त लग गई। अभी तो मैं तो ये सुनने का और आंसर तो मतलब कि भाई आजकल जो बेटिंग जो आजकल क्लासेस के ऊपर होती है कि भी आशीष सर क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, आजकल तो बेटिंग भी इस चीज़ पर हो रही है। ठीक है ना, तो वो देखते हैं कि भी दिमाग लगाते हैं प्रोबेबिलिटी बेसिस पे कि आशीष सर ने अब तक कितनी कितनी क्लास कैंसिल करी है, उसके हिसाब से बेटिंग चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो है लिखा लिखा हुआ है, देखिए लॉस इज अंडर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। यहाँ पर स्पेक्यूलेटिव बेटिंग से मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेक्यूलेटिव मतलब यहाँ पर बेटिंग का नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी एंड सिक्योरिटीज विदाउट एनी डिलीवरी। ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी एंड सिक्योरिटी विदाउट एनी डिलीवरी। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए शेयर मार्केट में बहुत बड़ा गेम होता है, शेयर मार्केट में जैसे मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एंड उन्होंने मान लीजिए आईटीसी की शेयर परचेज की है, कितने शेयर परचेज किए, 1000। ठीक है, आज उन्होंने जैसे सुबह उठे, उन्होंने देखा कि आज मैं आईटीसी भी गेम खेलूंगा, मुझे लगता है कि भाई इसका शेयर जो है मुझे लगता है आज एक दिन में कम से कम 5% तो ऊपर चला ही जाएगा। मीन्स उनकी जो इंट्यूशन है वो ये कहती है कि आज आईटीसी का शेयर जो है, आज सुबह उठे उन्होंने सोचा कि आज आईटी का शेयर जो है वो 5% ऊपर जाएगा, उनको एक अपनी इंट्यूशन है। ठीक है, या तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ लास्ट नाइट उन्होंने अच्छे से कोई अच्छी रिसर्च की होगी, उनको कोई न्यूज़ मिली होगी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल बेसिस और कैन से फंडामेंटल डाटा ही इज एक्चुअली बेसिकली स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेट किया उन्होंने दैट द शेयर प्राइस ऑफ दिस आईटीसी विल गो अप बाय 5%। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, आईटीसी को सुबह सुबह उठते ही उन्होंने जो है 1000 शेयर जो है परचेज कर लिए। मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए एक शेयर का प्राइस कितना है,
100 रुपीज है, ठीक है। और उनको पता है कि आज उनका 5% चला जाएगा, आज वो कभी भी जा सकता है, ठीक है। देखिए शेयर प्राइस की मार्केट, शेयर प्राइस की ओपनिंग कब होती है, एट 9:30, वैसे तो देखिए सॉरी 9:15, एट 9:15 वैसे तो 9 o'clock ओपन हो जाती है, बट वो उसको बोलते हैं प्री ओपनिंग। और प्री ओपनिंग तो वो जनरली लोगों के लिए नहीं होती, ठीक है, वो जनरली लोगों के लिए नहीं होती। तो बेसिकली जो नॉर्मल जो इंडिविजुअल या शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो टाइम होता है वो 9:15 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए एक्स ने क्या करा, 9:15 जैसे ही हुआ उन्होंने ITC के शेयर जो है कितने के हुए, 1000 × 100 अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख उन्होंने जो परचेज कर लिए, ठीक है। लेकिन अब इनको लगता है कि ये अमाउंट जब 5% ऊपर चला जाएगा, मार्केट का देखिए क्लोजिंग टाइम कितना होता है 3:30, मान लीजिए एट 2 o'clock ही 2 PM ये शेयर जब 5% ऊपर चला गया, ठीक है, दैट मीन्स ये कितना कितने का हो गया, 1,05,000 का हो गया। तो देखिए जैसे 5% ऊपर गया उन लेखा नहीं 5% ऊपर जाएगा ही नहीं है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, इन इसको सेल ऑफ कर दिया। देखिए उन्होंने कितना अर्न कर लिया, एक दिन में 5,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। यानी कि उन्होंने विद इन द सिंगल डे उन्होंने 1 lakh rupees के शेयर उन्होंने परचेस करे, एंड जैसे 5% ऊपर गया उन्होंने 1,05,000 शेयर उन्होंने सेल ऑफ कर दिए, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जो इन्होंने गेम खेला है, ये इन्होंने गेम 1000 में जो 1 lakh के जो शेयर परचेस किए ना, इन्होंने इसकी पेमेंट ही नहीं की, सर मतलब मीन्स उन्होंने पूरी पेमेंट नहीं की, सॉरी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सर मतलब विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मीन्स इन्होंने ब्रोकर के थ्रू परचेस किए बट उन्होंने 1 lakh rupees पूरे नहीं दिए, सर कितने दिए मतलब। देखिए होता क्या है, इंट्रा डे एक होता है इंट्रा डे, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मुझे ही ये शेयर परचेस करना है, मैं क्या करूँगा आज 1 lakh के शेयर परचेस करूँगा, एंड एंड मुझे लगता है कि नहीं एक दिन में तो नहीं होगा, कम से कम इसको बढ़ने में कम से कम 1 महीना या 2 से 2 साल लग जाएगा, ठीक है। तो मैं करता 1 lakh rupees छोड़ देता हूँ और मैंने टारगेट रखता हूँ कि जैसे ये अमाउंट मेरा 1,20,000 हो जाएगा मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा। अब इसका हो सकता है कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मैंने 1 lakh rupees लगा के छोड़ दिए, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, आपको एक स्पेकुलेटिव यानी कि जब आपकी इंट्यूशन जाती है ना कि भाई आज तो इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप क्या करते हो, एक जब आपको श्योरिटी हो, जब आपको खुद को पता है श्योरिटी, आप मान लीजिए 100% 90% श्योर हो कि इसका अमाउंट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप बड़ा सा बड़ा दाव खेलोगे। भाई अगर मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि आज आपके 1 lakh के 1,05,000 रुपये होने होंगे, यानी कि आप जो है पर शेयर पे, यानी कि आप देखो उसने 1000 शेयर्स पे उसने 5000 रुपये, 5000 शेयर उसने 5000 रुपये कमा लिए। अब उसको अगर इतनी इतनी अगर श्योरिटी थी, ठीक है, तो उसने 1 lakh क्यों लगाए, वो 1 करोड़ लगा सकता था, जी हाँ 1 करोड़ लगा सकता था, 10 करोड़ लगा सकता था, बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो रिस्क लवर है या नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने पेमेंट उसने अभी भी 1 lakh की नहीं की होगी, क्योंकि उसने जो गेम खेली है वो उसने खेली है इंट्राडे, यानी कि विद इन द डे ही उसने जो शेयर परचेस किया और विद इन द डे उसने शेयर सेल ऑफ कर दिया। इंट्राडे में क्या होता है, यानी कि इन्वेस्टर को, सॉरी जो इन्वेस्टर होता है उसको पहले से बताना पड़ता है कि वो एक दाव खेल रहा है कि उसको ये लगता है कि आज ये प्राइस जाए या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट उसको मतलब जो है वो श्योर होता है 90% केस में 90% कि हाँ वही ये तो प्राइस जो ऊपर जाने जाने वाला है, ठीक है। तो वो इंट्राडे गेम खेलता है, ठीक है, हिंदी में उसको फटका, ठीक है। तो वो इंट्राडे गेम खेलता है और वो अपने जो है शेयर ब्रोकर से बोलता है कि भी मुझे 1 lakh के शेयर दे दो, तो ब्रोकर बोलता है इंट्राडे में बोलता है कि आप उसको जो आपकी जो इसको जो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, अभी के अभी पूरी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 20,000 पे करनी है,
दैट इज ओनली 20%। आपको सिर्फ 20 रुपये देने हैं लेकिन आपको 1 लाख के शेयर मिलेंगे, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, आपको विदिन द डे ही ये सेल जो है शेयर जो है सेल ऑफ करने पड़ेंगे, चाहे शेयर 5% ऊपर जाए या ना जाए, क्या पता 1 ही% ऊपर गया हो, क्या पता नेगेटिव हो गया हो, आपको जो है विदिन द सेम डे आपको ये शेयर जो है बेचने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं विदाउट डिलीवरी। दैट मीन्स क्या बोला यहाँ पर, देखिए मैंने ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी एंड सिक्योरिटी विदाउट गेटिंग डिलीवरी, जो 1 लाख के शेयर हैं क्या इन्वेस्टर ने उतने पेमेंट करी नहीं करी, उसने सिर्फ 20 हज़ार ही करी, तो डिलीवरी तो हुई नहीं ना, ठीक है। यानी कि शेयर जब परचेज भी नहीं किए फिर भी जब परचेज कर रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और गेम होता है, यहाँ पर क्या होता है उल्टा गेम होता है, यानी कि पहले शेयर आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और बाद में परचेज कर सकते हो। यानी कि पूरी दुनिया में एक यही मार्केट होती है शेयर बाजार, जहाँ पर आप उल्टा काम कर सकते हो। यानी कि ये मान लीजिए अगर मैं ब्रोकर हूँ, ठीक है, और आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि मेरे शेयर बेच दो, जबकि आपके पास है ही नहीं शेयर, आपके पास है ही नहीं, लेकिन फ्री बोल रहे हो बेच दो। लेकिन इसकी गेम कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में। यानी कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि भी अगर आज आप जो है मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज अगर आप शेयर बेच दिए, तो इसका प्राइस जो परचेज यानी कि आपके हिसाब से हो सकता है ये शेयर 90 लाख रुपए हो जाए। तो आप क्या करते हो, मॉर्निंग मॉर्निंग में आप 1 करोड़ के शेयर बेच देते हो और क्लोजिंग क्लोजिंग होते होते आप 90 लाख में खरीद लेते हो। बेचा कितने पे, ज्यादा पे, खरीदा कितने पे, कम पे, तो आपने कमा कितने लिए, डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट दैट इज 10 लाख आपने एक दिन में कमा लिया। तो यानी कि शेयर बाजार में ही ऐसा काम होता है जहां पर आप शेयर परचेज नहीं करते, कर सकते यानी कि आप बेच भी सकते हो, पहले बेच दिया बाद में खरीद लिया। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि शेयर का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, जरूरी थोड़ी गिर जाए, हो सकता है लॉस भी हो जाए। लॉस कैसा होगा इसमें, मान लीजिए बढ़ गया, आपने 1 करोड़ के शेयर खरीद दिए, हो सकता है वो 1 करोड़ के 1.5 करोड़ हो जाए एक दिन में, आपको तो भारी नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब खेल जो है बस इंट्यूशन का हो सकता है, ठीक है, यानी कि एज पर योर नॉलेज या एज पर योर लक, जो भी कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में क्या नीड, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो डिपेंड करता है सब मार्केट पे, ठीक है। सो मतलब ये ओवरऑल जो है इन्वेस्टर के इंट्यूशन पर डिपेंड करता है कि वट ही और शी एक्चुअली थिंक्स एंड डिपेंड्स ऑन दी वेदर ही और शी इज अ रिस्क लवर और नॉट। बिकॉज देखिए इंट्राडे में ऑब्वियसली हाई रिस्क होता है, दैट मीन्स विद इन द डे यू नीड टू परचेस एज वेल एज विद इन द यू नीड टू सेल ऑफ ऑल द शेयर्स, ठीक है। बिकॉज आप देखो ना, आप 1 करोड़ का दांव खेल रहे हो, तो आपको पेमेंट तो आपको कितनी करनी पड़ेगी, इसका 20% अमाउंट कितना हो गया, ओनली 20 लाख, तो आपको तो बस 20% ही पे करना है, ठीक है ना। तो यही गेम होता है यहाँ पर कि आप जो है आप ऑब्वियसली कि भी कोई भी इन्वेस्टर होता है जब लगता है उसको मतलब बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो कि आज से उसका प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑफ कॉमोडिटी एज वेल एज सिक्योरिटी विदाउट गेटिंग डिलीवरी, इसी को बोलते हैं हम लॉसेस अंडर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, लॉसेस अंडर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, एंड दिस सेक्शन बेसिकली कवर्ड अंडर 43(5). ठीक है, सो क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का मैं कहना चाह रहा हूँ, मीन्स अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर लॉस आ जाए फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, तो ये पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। कौन से एक्सेप्शन में, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 70 के एक्सेप्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सेक्शन 70 का कहता है कि कोई भी लॉस जो है वो विद इन द हेड सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट दिस, इट मीन्स स्पेक्यूलेटिव का बिजनेस जो है विद इन द हेड सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, विद इन द हेड सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉसेस अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस। आपको याद होगा हमने पीजीपी में हमने इन डिटेल अच्छे से पढ़ा था, सेक्शन 35AD। स्पेसिफाइड बिजनेस देखिए कौन से होते हैं, कोल्ड चेन फैक्ट्री, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी,
फॉर स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए कोल्ड चेन फैसिलिटी बेसिकली होती क्या है, जैसे मान लीजिए, वैसे तो देखिए इंडिया में इसका जो बिजनेस है कम होता है, ऐसा नहीं होता, नहीं कम होता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पेशली ऑन ऑन इन दोज कंट्रीज वेयर बेसिकली पब्लिक जनरली उनका जो मील होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है। ठीक है, आपने कुछ जैसे मूवीज में देखा हो, आप देखते हो कि कभी कभी ऐसी आपकी कोल्ड चेन जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर लाइक बहुत बड़े बड़े जो लाइक मास होते हैं वो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर में होते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन, बहुत लंबे लंबे टाइम तक उनको जो फ्रीजर में रख देते हैं। ठीक है, तो उनका जो अलग अपना जो बिजनेस होता है वही होता है। तो दीज आर कवर्ड बेसिकली अंडर सेक्शन 35A(d). ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी एसएससी को इस बिजनेस से रिलेटेड अगर लॉस हो गया तो वो विद इन द हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है ना, विद इन द हेड, आई रिपीट, विद इन द हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता। अच्छा, विद इन द हेड नाउ अगर, ठीक है, और सेम सोर्स हो तो सेम सोर्स से, मतलब सर हम समझ नहीं पाए, देखिए जरा ध्यान से। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए अभी, स्पेकुलेटिव का एंड स्पेसिफाइड बिजनेस का। अब मान लीजिए जैसे आपके दो बिजनेस हैं, जैसे देखिए कोल्ड चेन आपकी फैक्ट्री है, उससे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, एंड 35A(d) में देखिए और कौन से जो है कवर्ड होते हैं। मान लीजिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज होती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, उसका भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपको जो इसमें मान लीजिए 9 लाख का आपको मुनाफा हो गया। ठीक है, तो क्या आप इसको सेटअप कर सकते हो? नहीं कर सकते, सॉरी, कर सकते हो, आई रिपीट, क्योंकि ये दोनों के दोनों कवर कहाँ होते हैं? सेक्शन 35A(d) में, यानी कि सेक्शन 35A(d) के अंडर जितने भी बिजनेस हैं तो वो आपस में सेटअप हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विद इन दी सेम सोर्स, सेम सोर्स यानी कि स्पेशल स्पेसिफिक सेक्शन में कवर हो रहे हैं। ठीक है, अगर सेम सोर्स में है तो वो सेटअप हो सकते हैं। मान लीजिए इसी के साथ मैं कोई एक नॉर्मल PGPP इनकम लिख दूँ तो, ठीक है, मान लीजिए उससे 5 लाख की इनकम राइज हुई है, 5 लाख की इनकम ये राइज हुई है, 9 लाख का मुनाफा ये, 1 लाख का लॉस ये। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब बताइए क्या ये अमाउंट इसे सेटअप हो सकता है? जी नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेक्शन 35 में कवर नहीं होता। ठीक है, विद इन द सेम हेड है, जी हाँ, क्योंकि ये भी PGPP, ये भी PGPP है, लेकिन सेम सोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि लॉसेज अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी कि जो जो बिजनेस सेक्शन 35A(d) में कवर हो रहे हैं वो आपस में ही सेटअप हो सकते हैं अगर वो 35A(d) में कवर हो रहे हैं, लेकिन वो 35 के बाहर जो है किसी से सेटअप नहीं हो सकते। ठीक है, चाहे वो सेम हेड में क्यों ना हो। सेम फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेटअप होगा और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको पॉइंट एक्सेप्ट में लिखा हुआ है। इट मीन्स देयर आर सम एक्सेप्शन टू गेट सेट ऑफ विद इन द सेम हेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो पॉइंट कवर हो गए, थर्ड पॉइंट लॉसेस अंडर LTCG, क्या मतलब, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, लॉस फ्रॉम LTCG सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली LTCG, यानी कि LTCG सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ किससे होगा, LTCG के साथ ही होगा, यानी कि ये STCG के साथ भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। देखिए इसका बहुत बड़ा रीज़न है, आपको सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक ज्वेलरी है, आपने 10 साल पहले खरीदा, और मान लीजिए आप उसको इसी प्रीवियस ईयर में आप इसको सेल ऑफ करना चाह रहे हो, आप खुद बताइए क्या आपको लॉस हो सकता है? देखिए LTCG में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस होता नहीं है, लॉस होता है लेकिन चांसेस कम होते हैं। लॉस देखिए कहाँ होता है, जैसे आपको पता है कि LTCG शेयर मार्केट में होता है, शेयर्स में होता है,
और शेयर्स का देखिए, आपको पता है शेयर्स शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है? अगर कैपिटल एसेट जो है उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कितनी है, 12 महीने से ज़्यादा है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी एक्स पर्सन ने, मान लीजिए उसको 15 महीने में सेलअप कर दिया, लेकिन उसको लॉस हो गया। ठीक है, शॉर्ट टाइम है, 15 महीने है, 1 साल 3 महीने, ठीक है ना, तो क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ पर लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, तो वैसे तो देखिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस होता नहीं, लॉस होता है, डिपेंड करता है कि कैपिटल एसेट क्या है। ठीक है, मैक्सिमम केस में क्या होता है, इसमें आपका गेन होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करता है सरकार, देखती है कि जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट बेची, उसको सेट ऑफ करने के लिए कोई एक छोट एक सेट ऑफ दिखा दिया शो कि हाँ मुझे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो करना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर उसको एक्सेप्शन केस में बोला कि LTCG, सिर्फ और सिर्फ LTCG के साथ ही जो है सेटअप होगा। ठीक है, हाँ, बट ये याद रखना STCG जो है वो LTCG के साथ सेटअप हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर STCG नेगेटिव में हो तो वो STCG के साथ सेटअप हो जाएगा, लेकिन क्या वो LTCG के साथ लॉस हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि लॉस किसमें हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर LTCG 1 लाख है और STCG नेगेटिव में 20,000, तो आपस में सेटअप हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ कि LTCG 20,000 नेगेटिव में है एंड सेटअप प्लस में है, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस में है, तो वो आपस में सेटअप नहीं हो सकते। यहाँ पर लॉस किसकी बात करिए, लॉस लॉस अंडर लॉसेस अंडर LTCG, यानी कि LTCG अगर नेगेटिव में है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेस अंडर ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। देखिए इसके इन डिटेल मैंने आपको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अच्छे से बताया था। एक होता है आपका रेस हॉर्स एंड होता है आपका हॉर्स रेस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। इसकी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होती है। ठीक है, मीन्स अगर रेस हॉर्स में अगर लॉस हो गया तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्शन पॉइंट में लिखा हुआ है। दैट मीन्स अगर लॉस OMRH से अगर हुआ तो भी वो सेम सोर्स से होगा, सेम हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, सो सेक्शन 70 में क्या बोला है कि कोई भी लॉस इन विद इन द सेम हेड सेट ऑफ हो सकता है, एक्सेप्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, एक्सेप्ट LTCG, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम लॉसेस लॉसेस इनकम लॉसेस फ्रॉम OMRH, दैट इज ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें आपको एक नोट पढ़ना है जो कि सेक्शन 70 में ही कवर होता है। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, बाय वर्च्यू ऑफ 58(4) लॉसेस अंडर विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड्स, कार्ड्स, लॉटरी, ब्लैक मनी, हॉर्स रेस। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ मैंने लिखा है हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। जैसे आपको डिफरेंस मैंने आपको बताई दिया, जैसे मान लीजिए किसी का खुद का बिजनेस है, ठीक है, वो मान लीजिए हॉर्स पे उसका खुद का घोड़ा है। ठीक है, उसको उसको वो खिलाता है, पालता है, मेंटेन करता है उसकी। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कराता है रनिंग में। ठीक है, तो वो घोड़े को अपने रेस में उसको दौड़ाता भी है, तो वो उसका बिजनेस है, तो उसको बोलेंगे ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। ठीक है, लेकिन ये है हॉर्स रेस, इसमें क्या है, उसका ना तो खुद का घोड़ा है, वो बस स्टेडियम में जाता है और वहाँ से बुकी से वो बताया कि मुझे इस घोड़े पे मुझे जो है बैट लगानी है, तो अमाउंट देता है मान लीजिए सपोज 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और अगर जीत गया तो उसके 10 लाख या 50 लाख, हार गया तो पूरे लॉस। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हॉर्स रेस, यानी कि बैटिंग हुई यहाँ पर, तो ये अलग है, ये है हॉर्स रेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई भी लॉस, अगर मान लीजिए क्रॉस वर्ड से हुआ, कार्ड से हो गया, लॉटरी से हो गया, लॉटरी से कभी लॉस हो सकता है? यहाँ देखिए, देखिए इसमें तो देखिए इसमें तो आपको प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं, कार्ड्स में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, बट इसमें तो प्रॉफिट ही होगा। आप मान लीजिए लॉटरी लगे, 100 रुपये की लॉटरी लगे, आपने खरीदी, टिकट खरीदी और उसमें लगा था कि कोई जीतेगा तो 20,000 रुपये मिलेंगे। अभी ऐसा सुना है कि 100 रुपये लॉटरी खरीदी, लॉटरी लगी और 20,000 रुपये उल्टा देने पड़ गए, ऐसा कभी हो नहीं सकता ना, तो इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगेन ब्लैक मनी,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए ब्लैक मनी किसी पकड़ गई तो वो तो लॉस थोड़ी ना है, वो तो उसको उल्टी इनकम ही है, लॉस तो होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर सरकार क्या बोलना चाह रही है, सरकार ये बोलना चाह रही है कि यहाँ से अगर कोई भी इनकम या लॉस हुआ तो कोई दूसरी इनकम भी इससे सेट ऑफ नहीं हो सकती, यानी कि अगर इनसे लॉस हुआ तो भी ये दूसरे दूसरी तरफ आँख उठा के देखेंगे, ठीक है। और अगर कोई दूसरा हेड दूसरी दूसरी अगर मान लीजिए ये एक सारी इनकम कहाँ आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, मान लीजिए मैंने किसी बड़ी कंपनी में अच्छी कंपनी में मान लीजिए शेयर खरीदे हैं, मुझे उससे डिविडेंड मिल रहा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या मैं मान लीजिए मैं बेटिंग करता हूँ, मान लीजिए क्रॉस वर्ड से मैंने खेला, मैंने हार गया 1 लाख रुपये, तो क्या मैं 1 लाख रुपये वो उस 5 लाख रुपये से सेटअप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यहाँ गवर्नमेंट ने स्टेटअप लिखा कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर इनमें लॉस हुआ तो भी मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, और दूसरी इनकम का लॉस भी मैं इनसे सेट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है क्योंकि देखिए लॉटरी से तो कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मान लीजिए मैंने ऐसी कोई दूसरी इनकम है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं ऐसी कोई भी बोल रहा हूँ, कोई ऐसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है मान लीजिए जिसमें मुझे लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या मैं लॉटरी से सेट ऑफ कर सकता हूँ, नहीं ले सकता कि गवर्नमेंट ने दिया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लॉटरी को है वो बढ़ावा नहीं देना चाह रही कि मतलब आप तो ऐसे गेम खेलो भी, हम तो नहीं सेटअप करने दे रहे, ठीक है ना। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट लॉस फ्रॉम सेम सोर्स नॉट अलाउड टू सेटअप। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर इनकम, एज यू नो वेरी वेल दैट इफ एनी इनकम अराइज फ्रॉम एग्रीकल्चर विच लैंड इज एक्चुअली सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसमें होने वाली इनकम जो है वो पूरी पूरी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए इनकम बिजनेस है, मान लीजिए किसी का बिजनेस है इनकम का, एग्रीकल्चर इनकम से बिजनेस आ रहा है, तो उससे होने वाली इनकम तो एग्जेम्प्ट है ही, लेकिन अगर लॉस हो गया तो सरकार ये बोलना चाह रही है कि जो इनकम आपकी पहले ही एग्जेम्प्ट है तो उससे अगर आपको लॉस हो जाए तो उसको आप सेटअप क्यों करोगे भाई, आपका बिजनेस है, इनकम हमने यहाँ पे देखी ही नहीं, जब हम इनकम ही देख रहे हैं तो आपको लॉस क्यों देखेंगे। और अगर आप लॉजिक वाइज भी देखे जाओ, अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो देखो ध्यान से, मान लीजिए 2018 में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम जिसकी जमीन जो है इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, उससे लॉस हुआ मान लीजिए 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, एंड देन 2019-20 में आपको मुनाफा हो गया 3 लाख रुपए का, ठीक है, तो क्या आप इसे सेट ऑफ करोगे। मान ने सेट ऑफ कर भी दिया तो इनकम आप क्या दिखाओगे, 3 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 2 लाख, तो दो क्या 2 लाख पे आप टैक्स देना चाहोगे, क्यों दोगे, तो क्योंकि इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वैसे ही इनकम एग्जेम्प्ट है तो सेट ऑफ करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सरकार ये बोलना चाह रही है कि जो इनकम पहले ही एग्जेम्प्ट है और उससे अगर कोई आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आपके आप वो उसका आप सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर सेक्शन 115BD(a) आपको याद होगा हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, दैट इज इनकम अराइजिंग फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई भी इनकम अगर डिविडेंड मिल रहा है किसी एसएससी को, कहाँ से मिल रहा है, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, और वो एक्सेस कर रहा है 10 लाख से, ठीक है, तो आपको पता है इस पर तो टैक्स कट जाता है आपका एज पर दिस सेक्शन, ठीक है, तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, लेकिन और कोई इनकम भी इससे सेट ऑफ नहीं होगी। देखिए डिविडेंड आपको मिला तो ऑब्वियसली आपको मिला ना, देना थोड़ा पड़ा, तो वो तो आपको हमेशा पॉजिटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। डिविडेंड आपको चेक कितना मिला, 10 हज़ार 20 हज़ार 1 करोड़ 50 लाख, आपको तो मिलेगा ना वो, तो वो तो हमेशा आपका पॉजिटिव में ही आएगा। तो सरकार बोलना चाह रही है यहाँ पर नॉट अलाउड, यानी कि अगर कोई और अदर इनकम अदर सोर्सेज में अगर कोई नेगेटिव में है, ठीक है, तो वो आपको से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही है कि कोई और अदर इनकम भी नहीं कर सकता, इसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट हैं विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 70, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेक्शन 71।
फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, अगर कोई भी एसएससी को पहले अगर अगर कोई भी लॉ सेटअप करना है तो उसको चेक कहाँ करना पड़ेगा, विद इन द सेम सोर्स एंड विद इन द सेम हेड। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं हो पाता, मान लो बाई चांस कोई भी इनकम ऐसी है जो विद इन द सेम हेड सेटअप नहीं हो पाई, जैसे कि ड्यू टू सम एक्सेप्शन जैसे वो हो पड़े, तो क्या वो हम इसको हम दूसरे हेड से सेटअप कर सकते हैं? तो ये है आपका स्टेप नंबर टू, जिस जो बताता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा यहाँ पर, एनी लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। यानी कि सेक्शन 71 में इनकम टैक्स जो लॉ में कर रहे हैं वो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज, कि कोई भी लॉस फ्रॉम वन हेड, कोई भी एक हेड से कोई भी लॉस आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो इनकम ऑफ अदर हेड से, अदर हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एसएससी की इनकम देखिए अराइज हो रही है, सैलरी से कितनी हो रही है 8 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, इनकम फ्रॉम पीजीबी यहाँ पर लॉस हो गया अमाउंटिंग रुपीज 5 लाख, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन से कितना 1 लाख, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000। अब यहाँ पर एसएससी क्या पूछ रहा है कि क्या मैं ये इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ, क्या मैं ये इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 71 में। ठीक है, क्योंकि ये जो इनकम आई है ये सेट ऑफ मतलब विद इन द हेड हो नहीं पा रही, जो भी हमने ऊपर रीजन पढ़े वो विद इन द हेड सेट ऑफ नहीं हो पाई। सेम कैपिटल गेन, मान लीजिए कैपिटल गेन कौन सा है, ये एलटीसीजी है, एलटी आपको पता है कि एलटीसीजी एससीसी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये एलटीसीजी बच गया पर माइनस 1 लाख रुपये। तो क्या ये 1 लाख रुपये जो है वो बाकी अदर हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं? ठीक है, तो वैसे तो आप लेते कि कोई भी लॉस, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, क्या ले है ये देखिए, याद करने का आपको मैं बहुत बड़ा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर कोई भी लॉस अगर विद इन द सेम हेड अगर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा ना, तो वो अदर हेड से भी नहीं हो पाएगा। कोई लॉस अगर अपने ही सेट अपने ही विद इन द हेड अगर सेट ऑफ ही नहीं हो पाया तो वो बाकी हेड में जा ही नहीं सकता। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, लॉस इज फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, लॉस इज फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, और सेकेंड पॉइंट में लिखा गया लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस इन द सेंस विच आर कवर्ड इन द 35AD। तो 35AD सिर्फ और सिर्फ 35AD के साथ सेटअप हो सकते हैं, सेम सोर्स हो सकते हैं, सेम सोर्स हो सकते हैं, विद इन द हेड भी नहीं हो सकते। तो जब विद इन द हेड नहीं सेटअप हो सकता कोई कोई लॉस, तो वो अदर हेड में वैसे ही पॉसिबल नहीं। सेम फ्रॉम लॉन्ग लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ पर लॉन्ग यहाँ पर कैपिटल गेन दोनों हैं, STCG एज वेल एज LTCG। आपको अच्छे से पता है कि LTCG जो है वो सिर्फ LTCG से सेटअप हो सकता है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल से साथ सेटअप हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज पर सेक्शन 71, अगर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस में आ रहा है, तो क्या वो इंटर हेड में जाके सेटअप हो सकता है? यहाँ पॉइंट लिख दिया किसमें, गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन में, कि कैपिटल गेन कोई भी हो, चाहे LTCG हो चाहे SCCG हो, वो किसी भी हेड से सेटअप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कैपिटल नेचर में, याद होगा मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था इनकम टैक्स का, जब फर्स्ट क्लास थी, आपको अच्छा सकता है कि 5 हेड में एक यही इनकम होती है जो सबसे अलग होती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी इसको अलग फैक्टर लगाया, ठीक है, बिल्कुल हटके किया होगा कि आपको बिल्कुल अलग रहो। तो कैपिटल गेन का अगर कोई लॉस आ जाए तो वो किसी और अदर हेड से सेटअप ही नहीं हो सकता, चाहे वो STCG हो चाहे वो LTCG हो। नेक्स्ट, लॉस इज फ्रॉम ऑनिंग मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स, तो वो तो वैसे भी अपने हेड से नहीं हो सकता, तो इंटर हेड का तो वैसे सवाल नहीं होता। ठीक है, तो ये चार तो देखिए काफ़ी ईजी हैं आपके लिए, या तो ना आप आराम से करोगे, बट बाकी जो 2 पॉइंट है वो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम में आपको फंसा सकता है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर आपको एग्जाम में फंसा सकता है, और दूसरा पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हम खुद फंस जाते हैं, एग्जामर की इंटेंशन नहीं होती लेकिन हमको ये चीज़ पता नहीं होती इसलिए हम फंस जाते हैं। तो देखिए पहले पढ़ते हैं 5th पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
लॉस इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस हुआ देन इट इज अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड, यानी कि किसी भी हेड से वो सेट ऑफ हो सकता है। किसी भी हेड से मतलब सैलरी से हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, पीजी भी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, कैपिटल गेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि पहली पढ़ ली हमने तो कि कैपिटल गेन से तो लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। लेकिन इसका लॉस नहीं हो सकता, ये तो लॉस हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में लेकिन कैपिटल गेन पॉजिटिव में है, ठीक है ना, वो तो सेटअप हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर लॉस आ रहा है तो वो पांचों हेड में से किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन डाल दी, बट अप टू अमाउंटिंग ₹2 लाख। अब पता है यहाँ पर ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हाउस वन से इनकम अराइज हुई सपोज 4,30,000, ठीक है, एंड हाउस टू से मान लीजिए नेगेटिव इनकम आई, नेगेटिव नेगेटिव इनकम आई सपोज 6 लाख, सॉरी 7 लाख नेगेटिव में। सर नेगेटिव 2 लाख से ऊपर हो नहीं सकता, अरे अगर इसको मैं सेल्फ अगर मैं इसको लेट आउट कर दूँ तब तो पॉसिबल है, लिमिट तो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही होती है, लेट आउट में तो अनलिमिटेड होती है, रेंट पे वो सॉरी उसका लोन जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल बहुत हाई उसका पे कर रहा है, वो तो नेगेटिव में हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए अगर इनकम आएगी नेगेटिव, ठीक है, तो देखिए इनकम नेगेटिव कितनी आएगी, 2,70,000। सर अभी तो आपने बोला था कि 2 लाख ही सेटअप हो सकता है, आपने तो 7 लाख सेटअप कर दिया। अरे वो मैंने इंटर हेड की बात करी थी, इंटर हेड की नहीं बात करी थी, इंटर हेड में तो कितना भी करो सेम सेम हेड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटर हेड की बात कर रहे हैं। यहाँ 270 बच गया, लेकिन 270 के अभी भी नेगेटिव में है। अगर मान लीजिए ये इनकम सैलरी सैलरी से है, सैलरी भी पॉजिटिव है, मान लीजिए 8 लाख रुपए, तो क्या ये 2 लाख रुपए से सेटअप हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, बट कितना, ओनली 2 लाख, 2 लाख ही हो सकता है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपए हो जाएगी। अच्छा सर बाकी के 70,000 फेंक दें, फेंकना नहीं है, 70,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, वो हम थर्ड स्टेज में पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी नुकसान अगर होता है तो उसको फेंकना नहीं है, उसको यूटिलाइज करना है, गवर्नमेंट सरकार ने इसकी भी आपको फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर आप किसी दूसरे हेड से सेटअप कर रहे हो तो उसकी लिमिट दे रखी है सरकार ने यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये, लेकिन आप अगर आप सेम सोर्स से कर रहे हो, सेम हेड से कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे आपको बताया था मैं कि इस पॉइंट पे एग्जामिनर आपको ट्रिक पॉइंट दे सकता है, जैसे एग्जांपल आप जैसे कोई भी दे सकता है कि आपको अमाउंट देखना पड़ेगा कि वो 2 लाख से सीट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, इस केस में जो मिस्टेक होने के चांसेस हमसे ज़्यादा होती है। क्या लिखा देखिए, लॉसेस फ्रॉम नॉर्मल PGBP, नॉर्मल मतलब अदर देन स्पेकुलेटिव, अदर देन स्पेसिफाइड, उसको बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस, ठीक है। हमने देखिए बिजनेस 3 तरह के पढ़े हैं यहाँ पर अब तक, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, नॉर्मल। नॉर्मल हम क्या मतलब है कि ना तो वो बिजनेस स्पेकुलेटिव है ना ही वो स्पेसिफाइड है, ये नॉर्मल बिजनेस है। इसमें अगर लॉस हो गया तो क्या इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या लिखा है देखिए, अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड, अलाउड टू सेट ऑफ एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। लो जी सैलरी से ही सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसका मेन देखिए रीजन क्या है, ध्यान से देखिए, सरकार ने ये पॉइंट बनाया क्यों, देखिए मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, एक्स पर्सन है, वो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनकी अच्छी खासी सैलरी से इनकम आ गई, मान लीजिए 20 लाख रुपए सैलरी आ रही है। अब मान लीजिए वो भाई साहब साइड बाई साइड कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई नॉर्मल बिजनेस चला रहे हैं,
उनसे उनको लॉस होगा 10 लाख रुपए का। तो टोटल इनकम कितनी दिखाएंगे, 10 लाख रुपए। टैक्स वो से भी पे करेंगे, लेकिन सरकार ने जो है इसको तो मना ही कर दिया। लेकिन रीजन क्या है, सरकार ने मना भी कर दिया कि अगर कोई नॉर्मल बिजनेस से अगर कोई लॉस हो गया तो वो सैलरी से नहीं हो सकता, लेकिन बाकी और अदर सोर्स हो सकता लेकिन सैलरी से नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस में लॉस तो आप नकली भी दिखा सकते हैं, बिजनेस में लॉस तो नकली भी दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आज प्रोविजन हटा दे, तो जितनी भी आज सैलरी इन जो एम्प्लॉय है ना, जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स ही देना बंद कर देंगे। कोई भी धंधा शुरू करेंगे, नकली बिल दिखाएंगे, बोल दें हमें तो लॉस हो गया। आपको पता है बिजनेस में लॉस जीएसटी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी भी लिमिट होती है। यानी कि अगर लिमिट, अगर आपके टर्नओवर इससे ऊपर होगा तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, और अगर बिजनेस अगर उसका टर्नओवर से नीचे है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे। और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता वो तो पक्का बिल नहीं देता, और जो पक्का बिल नहीं कराएगा वो बुक्स ऑडिट नहीं, और ना उसको ऑडिटिंग होगी, ना उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, ना कुछ नहीं होगा, तो वो तो फेक कुछ भी लॉस दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सरकार ने क्या कराया है, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने बोल दिया स्ट्रेटली कि अगर कोई नॉर्मल बिजनेस से कोई लॉस होता है ना, तो वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप देखा जाए ना, सैलरी से जो मतलब गवर्नमेंट का जो हाई जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, वो सैलरी से आता है, ना कि बिजनेस से। सिर्फ बिजनेस से नहीं आता, लेकिन बिजनेस में लोग बहुत कमाते हैं, जी हाँ, लेकिन टैक्स कम देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट, मैं आपको देखो क्या बात बताने जा रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे। मान लीजिए आप एक किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, पर्टिकुलर लेन में रह रहे हैं, और उस लेन में मान लीजिए 10 घर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 घर हैं, ठीक है। अब एक सोसाइटी रहे, मान लीजिए उसकी लेन है, उसमें 10 घर हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप मान लीजिए कॉलेज से आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है, और आप बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छा पैकेज लग गया, मान लीजिए आपके 20 लाख का पैकेज लग गया, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है, तो आपके कई कैलकुलेटर्स करोगे तो आप तो 20 लाख का आपका टैक्स लगा लोगे, ठीक है। मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए आप 2 लाख पे, मान 20 लाख पे, मान लीजिए आप 2 लाख का टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। पता है आपको, जब आप आपका पैकेज देगा ना 20 लाख का, तो आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन जब टैक्स दोगे ना, तो आपको बड़ा दिल से ना लगेगा कि यार 2 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन 2 लाख आपको पता कब चुभेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप अकेले ही जो है सैलरी इनकम पर्सन हो, और बाकी जो बिजनेस, बाकी जो घर है ना, वो बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। और देखा जाए तो उनका टर्नओवर कितना है, मान लीजिए 50 लाख है, 50 लाख पे जब मार्जिन लगा, देख लीजिए 50 लाख पे मार्जिन में लगा लीजिए, ठीक है। तो आप मार्जिन के हिसाब से खेलो चाहे कैसे भी खेलो, मान वो आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, आपसे 5 गुना कमा रहे होंगे, 5 गुना। लेकिन जो आप टैक्स पे कर रहे ना 2 लाख रुपए का, वो आप 10 घर के मिला 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 के टैक्स भी करो, तब भी आपको ज़्यादा बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सैलरी इनकम पर्सन अपनी इनकम छुपा नहीं सकता, क्योंकि आप जहाँ भी वर्क करोगे ना, आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स, आपका टीडीएस काट लेगा। और टीडीएस का कंसेप्ट बनाया है कि टैक्स की चोरी को पकड़ने के लिए, ताकि कोई इनकम जो अपनी छुपा ना सके। लेकिन बिजनेसमैन अपने लॉस दिखा देते हैं, सेल छुपा देते हैं, मतलब अपनी रिसीट छुपा लेते हैं, बुक में एंट्री नहीं करते, कुछ भी, कोई भी एक्सीडेंट बाई चांस, कोई भी रीजन हो गया, मतलब वो कैश कैश के बेसिस पे सब कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो मतलब उनकी इनकम कहीं दिखती ही नहीं है। तब आपको ये 2 लाख रुपये बड़ा चुभते हैं कि यार मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, मेरे आसपास वाले सब सब ग्रो कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आप वहीं के में रहते हो। लेकिन आपका, और आपको देखिए 20 लाख कुछ कम नहीं है, देखिए 20 लाख का आपका पैकेज कम नहीं है, लेकिन जब, लेकिन आप फिर भी अपने आपको देखिए ऐसे फील करो कि मैं बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। तो
सैलरी इनकम पर से तो हमेशा मतलब टैक्स देगा देगा, मतलब जब तक वो कमा रहा है तब तक हमेशा टैक्स देगा देगा, वो छुप नहीं सकता, वो अपनी इनकम छुपा नहीं सकता। लेकिन बिजनेस इनकम पर्सन हो तो कमाते भी हैं और टैक्स भी देते हैं, ठीक है ना। सो ये तो बस आपको मैं एक साइड आपको नॉलेज दे रहा था कि भी मतलब सरकार ने मतलब सैलरी इनकम पर्सन के लिए इतना नहीं देखा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वैसे फायदा देखा जाए तो पीजीबीपी के लिए, क्योंकि पीजीबीपी अगर अगर लॉस आ रहा है तो वो किसी और अदर साइड हेड से तो कर सकता है ना भाई, कैपिटल गेन से कर लेगा, ठीक है। पीजीबीपी खुद की बिजनेस से कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए उसकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो अदर सोर्सेज से सेटअप कर लेगा, लेकिन सैलरी से नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब बेचारा मान लीजिए कोई उसकी बिजनेस इनकम ही सिर्फ जो है सैलरी से है, ठीक है। साइड में बेचारे ने घर सैलरी इनकम मान लीजिए बहुत कम है उसकी, बेचारे ने साइड में बिजनेस खोल लिया, ठीक है। उसको बेचारे को लॉस हो गया, बेचारा सेटअप भी नहीं कर सकता क्योंकि एज पर सेक्शन 17 वो सेटअप भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट। लास्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, नो लॉस इज अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम WRCBM। सो WRCBM क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स, ब्लैक मनी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, ये सब है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ नहीं हो सकते इंटर हेड से, क्यों नहीं हो सकते। अरे जो अपने हेड से नहीं हुए तो अदर सोर्स से अदर हेड से होंगे नहीं होंगे, तो वही तो पॉइंट क्या है, कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 71, दैट इज स्टेप 2। थर्ड स्टेप देखिए कैरी फॉरवर्ड, ये है आपका स्टेप 3। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का देखिए मतलब होता क्या है वैसे, बेसिकली मैं आपको देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा था। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मान लीजिए आपकी जैसे ये सैलरी है, आप सैलरी इनकम पर्सन है, मान लीजिए कितने आ रहे हैं 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। एंड उन्होंने कुछ मान लीजिए शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने SSC ने, तो कैपिटल गेन से जो लॉस आ गया सपोज कितना 1 लाख रुपये का, मीन्स विद इन द हेड सेटअप करने के बाद 1 लाख रुपये बच गया, तो वो इससे सेटअप तो हो ही नहीं सकता। तो क्या वो 1 लाख रुपए का कुछ कर ही सकता, मतलब भूल गया जी, नहीं। जब वो ITR फाइल रिटर्न करेगा ना तो वो 1 लाख रुपए दिखाएगा कि दिस 1 लाख विल बी कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप होता है, यानी कि पहले करना है SSC को विद द सेम हेड चेक करना है क्या वो सेटअप कर सकते हैं, नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, या सेटअप कर लिया फिर भी नेगेटिव में है तो फिर क्या होगा, वो देखेगा अदर अदर हेड में जाएगा, वहां पर भी नहीं कर पाया ड्यू टू सम एनी रीजन, ड्यू टू सम एक्सेप्शन, तो फिर क्या करेगा वो सो कैरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड से ही वो सेटअप हो सकता है, दैट मीन्स विद इन द हेड सेम हेड में हो सकता है, चाहे कोई भी लो से क्यों ना हो, ठीक है। यानी कि जितने हमने एक्सेप्शन पढ़े ना तब भूल जाना कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, तब तो आपको सिर्फ उसे सेम हेड में जाना है, और सेम हेड में जाने के बाद भी आपको सेक्शन 70 को फॉलो करना है। सेक्शन 70 जितने भी एक्सेप्शन है उसको फॉलो करके आपको विद इन द सेम हेड में ही जाके जो है एक्सेप्शन करना है। सो फिर भी रहेगा तो फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड, अच्छा फिर भी होगा तो फिर दोबारा कैरी फॉरवर्ड, सर कब तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि सेटअप जो है आप कब 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 तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ऐसे दिखा है लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया तो वो आप कितने साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, टिल द नेक्स्ट 8 ईयर्स असेसमेंट ईयर, टिल द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स। नॉर्मल नॉर्मल नॉमे पीजीबी में तो अगेन टिल नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स, स्पेकुलेटिव बिजनेस में होगा तो 4 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस तो इन्फिनिटी लाइफ टाइम, ठीक है। कैपिटल गेन हुआ तो 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, OMRH हुआ तो 4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारे पे, इफ एसएससी नॉट एबल टू फाइल आईटीआर विद इन द ड्यू डेट, अगर नहीं कर पाया तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। देखिए ड्यू डेट की फाइल डेट कब होती है, वैसे नॉर्मली 31 जुलाई टू 31 जुलाई होती है। ठीक है, और अगर कोई मतलब ऐसा अगर ऑडिट जिसमें ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होती है, 30 सितंबर होती है। ठीक है, तो अगर विद इन द ड्यू डेट अगर अगर एसएससी रिटर्न फाइल कर देता है या नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता मान लीजिए नॉट एबल टू फाइल आईटीआर विद इन द ड्यू डेट, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए जवाब क्या है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से हुआ यस कर सकता है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं कर सकता, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से नहीं कर सकता, स्पेसिफाइड बिजनेस से नहीं कर सकता, कैपिटल गेन से नहीं कर सकता, ओएमआर से नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो लिबर्टी गिवन है वो आपको सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से गिवन है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एसएससी अगर आईटीआर फाइल विद इन ड्यू डेट नहीं कर पाता, मतलब ऑन और आफ्टर कर रहा है, मींस बिलेटेड कर रहा है, तो फिर उस केस में सिर्फ और सिर्फ अगर लॉस अगर हाउस प्रॉपर्टी से वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन अगर बाकी अदर केसेस में कोई लॉस हुआ, ठीक है, और विद इन द ड्यू डेट फाइल रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना इसको। चलिए नेक्स्ट वनिस, ये क्या है सर टेबल, ये टेबल है आपका रामबाण इलाज। मतलब अगर आप अगर आपने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़ लिए ना, आपने अच्छे समझ लिया, अपने माइंड आपने सेट कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, तब आपको एग्जाम में सिर्फ से ये टेबल काम आएगी। मतलब सर इन द सेंस आपको अगर जब आप रिवाइज करोगे ना, तब तो आपको सिर्फ ये टेबल पे नजर आना है, आपको ऊपर कुछ नहीं पढ़ना। ऊपर सिर्फ आपको अगर आपने अच्छे से एक बार अपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपको बस आपने समझ लिया कि हाँ ऐसा है, क्यों होता है, आपने अच्छे से अपने समझ लिया, कंसर समझ लिया पूरा। उसके बाद आपको याद करना है ना कि भी कब सेटअप होगा कब नहीं होगा, अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा, तो आपको बस याद करना है। तो याद करने के लिए आपको कुछ एक पर्टिकुलर एक होना चाहिए, मैकेनिज्म अच्छा होना देना कि आपको माइंड में अच्छे से बैठ। ठीक है, तो ये मैंने जो है स्टूडेंट के लिए एक फैसिलिटी बनाई हुई है ताकि जो है बच्चों को अच्छे से सब कुछ जो है याद हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस लेक्चर, सो टिल दैट टाइम ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, देन आई विल कंटिन्यू दिस सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड वट एवर यू हैव डाउट्स प्लीज की नोट डाउन ऑल द नोट्स एंड वी विल डिस्कस इन द लाइव लेक्चर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।